आरआरओटी बैंक के तत्वधान में सामाजिक संस्थान गूंज अनवरत यात्रा की तरफ से आरआरओटी बैंक के द्वितीय वर्षगांठ पर स्थानीय स्टेशन परिसर में 1000 लोगों को पूरी सब्जी जलेबी लड्डू वितरित किया गया। रोहित गुप्ता ने कहा कि भूखे को खाना खिलाना हमारा सामाजिक दायित्व है, इसी के तहत आरआरओटी बैंक कृत संकल्पित है। आज वर्षगांठ के अवसर पर 1000 प्लस जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। आज लोगों में सामाजिक चेतना विकसित करने की जरूरत है, जिसे समाज के एक वर्ग स्वर्णिम युग की शुरुआत हो। आरआरओटी बैंक के संतोष सिंह भारद्वाज ने बताया कि आरआरओटी बैंक के स्थापना का 3रा वर्ष है, जिसमें पूरी टीम ने विषम परिस्थितियों में एक परिवार के तरह काम किया, जिससे हर मुहिम हमारी अनवरत है। आज रोटी बैंक का मुख्य लक्ष्य सामाजिक समरसता से वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना, साथ ही जरूरतमंदों के हाथ में रोटी और चेहरे पर मुस्कान लाना है। आरआरओटी बैंक बच्चों के शिक्षा के लिए भी प्रयासरत है, जिसके अंतर्गत ओवरब्रिज आरा के नीचे रह रहे झोगियों के बच्चों के लिए निःशुल्क सामाजिक पठन पाठन केंद्र की स्थापना की जानी है, जिससे वहाँ के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ सामाजिक संस्कार देने का भी बल दिया जाएगा। कमलेश तिवारी ने कहा कि आरआरओटी बैंक एक संस्था नहीं बल्कि एक परिवार है, जिस पर एक कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है, अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। पिछले 2 सालों से हर रविवार को मुहिम संचालित होती है, जिसमें 150 से ज्यादा जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। आरआरओटी बैंक के द्वितीय वर्षगांठ को सफल बनाने में अखौरी दीपक, क्षितिज पांडे, नवीन सिन्हा, राजीव रंजन, रंजन केसरी, रविराज, अभिषेक अग्रवाल, पवन, ओम प्रकाश, सुन्नी श्रीवास्तव, राजीव सिंह, राकेश केसरी, मुक्तिकांत, राहुल आनंद, विक्की सिंह, उत्कर्ष तिवारी, अभिषेक ओझा, राम किशोर सिंह आदि का योगदान अभूतपूर्व रहा। कभी भी हम इस चीज़ को हमने रोका नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अगर आप अचीवमेंट पूछें तो हमारा अचीवमेंट यही है कि हर रविवार को तकरीबन 150 से 180 लोगों को खाना पिछले 2 सालों से हर रविवार को हम मुहिम के तहत अन्नदान महादान के तहत खिलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने भी लगातार कवरेज किया, लॉकडाउन में भी देखा, और रोटी बैंक उससे पहले जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था उससे पहले तब आप लोग ये कार्य करते थे, और आज यह कार्रवा इतना बड़ा हो चुका है कि हम आपको बधाई देते हैं। और हमने भी रोटी बैंक का खबर चलाया, और जिस तरीके से लॉकडाउन में आप लोगों ने रात दिन लोगों के बीच में सेवा किया, तो उससे लोगों बहुत ही अनूठा और बहुत ही अनूठा क्षण था दरअसल, क्योंकि लॉकडाउन में जैसा कि विदित है कि इस शहर क्या पूरे देश में कहीं भी किसी को रोड पे चलने तक की इजाज़त नहीं थी, उनसे घरों में रहने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी हमारे टीम के लोग सड़क पर उतरे और हर वो ज़रूरतमंद जिनके पास सरकार नहीं पहुंच पा रही है किसी न किसी कारण से, हमने पहुंचने की कोशिश की। और हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ख्र भी है, गर्व है कि हम उनके पास पहुंचे। अगर उनसे हम खाने से मदद कर पाएँ तो हमने खाने से मदद की, अगर हम उनको अन्न से मदद करना चाहें तो हमने अन्न से भी मदद करने की कोशिश की। हम एक और सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए चाहिए आर्थिक मदद, आप लोगों जो आर्थिक सहयोग लोगों से क्या कहेंगे, जो आम आदमी जो लोग देख रहे हैं फेसबुक पेज या हमारे जो दर्शक हैं वो क्या मतलब इस तरीके का? देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अतिशयोक्ति ही होगी कि यह संस्था तकरीबन 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया बिना किसी आर्थिक मदद के चल रही है, तो उसके पीछे है टीम की भावना। हमने शुरुआत अकेले करी थी, लेकिन ये कहावत आपने सुनी है कि लेकर चला था, कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, और इंसानियत के नाते, अच्छे काम के नाते, एक कहावत है हमारे भोजपुरी में कि जब आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो अच्छे लोग इसमें जुड़ते हैं। हाँ, हम पैसे नहीं लेते हैं, ये एक सच्चाई है, एक मिथक भी है, लेकिन हाँ, उसके बदले में हम आपसे आलू ज़रूर लेते हैं, आपसे प्याज ज़रूर लेते हैं, आपसे आटा ज़रूर लेते हैं। पैसे के अलावा आप हमसे सामान की मदद हम लोगों से लेते हैं, और उन्हीं सामानों से हमारा प्रयास रहता है कि हम भोजन बनाएं। आज कितने लोगों के लिए भोजन का ये जो पिछले वर्ष तकरीबन हमने 800 प्लस लोगों को भोजन कराया था इसी स्टेशन परिसर में आज के दिन। आज हमारा लक्ष्य तकरीबन 1100 लोगों का है, लेकिन जैसे कि भीड़ आप देख रहे हैं, उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है उससे भी ज़्यादा होगा।
ना रोटी बैंक की वर्ष तीसरी वर्षगांठ है जी। के उपलक्ष्य में हम लोग जरूरतमंदों को लगभग 1000 लोगों को थोड़ी सब्जी लड्डू और जलेबी का वितरण कर रहे हैं। ये चूँकि ये 2019 से लेकर 2021 तक तीन बार हम लोग तीसरा बार ये हम लोग का है। और जैसे कोई भी सामाजिक कार्य होता है छठ में ये कल यानी आज कहने का मतलब कि आज तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तो ये किसके द्वारा होता है? ये हम लोग रोटी बैंक परिवार के द्वारा होता है। यानी कोई संस्था मतलब कि ये तो संस्था हो गया और जो धन आता है आर्थिक मदद वो किसके सहयोग से होता है? आता है हम लोग जो साथी मित्र है या जो हमारे ग्रुप मेंबर है उन्हीं का सहयोग राशि अपने इच्छा अनुसार दी जा सकती है। ठीक नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ बरिया सदस्य रुचि बैंक कुमार रोग। मैं समस्त देशवासियों का और यहाँ मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग आए हुए हैं हमारे आज रोटी बैंक इस मुहिम में, मैं बताना चाहूँगा कि आज रोटी बैंक का तीसरा वर्षगांठ है। 3 साल हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है ताकि कोई भी भूखा न सोए, ये हम लोगों का मुहिम है, टारगेट है कि जितना हो सके गरीब जनता गरीब लोगों के बीच हम उपस्थित हों, उनकी ज़रूरतों के लिए हम खड़े रहें, यही हमारी टीम का उद्देश्य है। आज तीसरे साल पूरे होने पर हम लोगों ने यहाँ भोजन का व्यवस्था किया है ताकि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं और समाज जो भी आए खाते हाँ, जाए जो भी आए खाए जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन समाज में एक मैसेज पहुंचे। आप भी इन लोगों के लिए पिछड़े वर्ग के लिए या देश के लिए कुछ करें, आगे आए समाज में ये मैसेज देने के लिए भी हमारा एक ये उद्देश्य है। धन्यवाद।